पिछले दिनों अलवर के टहला थाना क्षेत्र में मिले अधजल लाश की पुलिस ने खुद को सुलझाते हुए हत्या के आरोप में दो था की एक युवती से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अलवर के टहला थाना क्षेत्र के नारायणी धाम से ऊर्जा तिराई की तरफ जाने वाली सड़क मार्ग पर रविवार को झाड़ियों में एक अधजला शव मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश की और साक्ष्य जुटाए। मृतक की पहचान दोहों के राम खिलाड़ के रूप में हुई। एसपी तेजस्वी गौतम ने इस मामले में विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू करवाई। घटना स्थल पर एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड टीम और साइबर सेल की टीमों को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए और लाश को सीएसपी के मॉर्चरी में रखा। जानकारी जुटाने पर सामने आया कि रविवार को दोसा कोतवाली थाने में राम खिलाड़ी मीणा पुत्र नमू राम मीणा अयोध्या नगर दोसा की गुम सूची की रिपोर्ट दर्ज करा पाया गया। शव की पहचान रामजीलाल मीणा ने छोटे भाई राम खिलाड़ी मीणा के रूप में की। परिवादी रामजीलाल मीणा ने अपने भाई की हत्या कर शव को जलाने का मामला दर्ज कराया। इस पर थाना अधिकारी सुनील राम ने अनुसंधान शुरू किया। एसपी तेजस्वी गौतम ने प्रेस वार्ता में इस मामले का पर्दाफाश करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि हत्या के आरोप में एक युवती से तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी तेजस्वी गौतम ने बताया कि मृतक राम खिलाड़ी सुधीर के पिता बाबूलाल पंचाल के साथ राम खिलाड़ी ने गाली गलौज की। इस बात का बदला लेने के लिए सुधीर ने अजय और लक्ष्मी के साथ मिलकर योजना बनाई और राम खिलाड़ी की हत्या कर शव झाड़ियों में पटक कर आग लगा दी। सुधीर ने राम खिलाड़ी से बदला लेने के लिए अपने मंगल अजय पंचाल को 19 दिसंबर को घोषणा बनाया। अजय के आने के बाद सुधीर ने पड़ोस में रहने वाली अपनी दूर बड़ी बहन लक्ष्मी शर्मा को गुलाब के साथ शामिल कर लिया। सुधीर ने अजय ने लक्ष्मी से कहा कि राम खिलाड़ी ने उसके पिता की बेइज्जती की है, वह उसका खेल खत्म करना चाहता है। तीनों ने उसे मारने की योजना बनाई। सुधीर ने अपनी कार से पेट्रोल निकालकर गाड़ी की डिक्की में रख दिया। फिर वह अजय और लक्ष्मी को कार से लेकर पहुंचा। इसी दिन शाम को 7 बजे सुधीर ने मोबाइल से फोन कर राम खिलाड़ी को पैसे देने की बात कहकर दोस्तों को साइकिल को लेकर नीचे बुलाया और कुछ देर में राम खिलाड़ी टेम्पो लेकर वहां पहुंच गया। सुधीर ने अपने साथियों के साथ उसे अपनी कार में बैठा कर जयपुर रोड पर महिंद्रा कंपनी के पास ले गया और उसकी कंपनी पर देखने का फैसला कर ताकि आज के रात हिसाब करूंगा। राम खिलाड़ी ने उसे कहा कि आप मेरे पैसे मत दो लेकिन मुझे जान से मत मारो। सुधीर ने देखी कर टकराया लेकिन वह चला नहीं। इसके बाद उसने ट्यूबलेस टायर की पंचर लगाने वाले हथियार से उस पर कई बार की जिससे राम खिलाड़ी की मौत हो गई। तीनों उसके शव कार में जाकर कर दिया। जरूरत एक तरफ ग्रेवल रोड के पास गाड़ी रोक कर उन्होंने शव को कार से निकाला और उस पर पत्थर से भी मार दिया। राम खिलाड़ी की मौत का विश्वास होने पर तीनों ने शव को झाड़ियों में डालकर पेट्रोल से आग लगा दी। राम खिलाड़ी की हत्या के आरोप में दोषी को वार्ड नंबर 2 निवासी साइकिल के सुधीर पंचाल में अजय पंचाल को 22 वर्षीय युवती लक्ष्मी को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी कार्यवाही में ग्रामीण के नेतृत्व में पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। 20 तारीख को एक सूचना मिली थी कि टहला थाना क्षेत्र में एक आधी जली हुई लाश मिली है जिसके मौके पे तुरंत ही SHO SCO और एडिशनल SP ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे थे। इन तीनों की अथक प्रयासों से कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर था जिसको हम खोलने में बिल्कुल कामयाब हो पाए हैं। मृतक राम खिलाड़ी है जो दौसा ज़िले का रहने वाला था, जो अक्सर पैसे ब्याज पे दिया करता था। जो आरोपी गण हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, सुधीर, अजय कुमार और लक्ष्मी, ये तीनों सुधीर ने राम खिलाड़ी जो मृतक हैं उनसे पैसे उधार लिए थे ब्याज पे। वो पैसे नहीं देने के अवैध में राम खिलाड़ी उनको काफ़ी दिनों से वापस मांग रहा था अपने पैसे ब्याज समेत, जो ये नहीं दे पाए। और फिर इन तीनों ने योजना बनाई कि हम इसको इसका काम तमाम करके इसको हम अगर झाड़ियों में फेंकाएंगे और अगर हम इसको जिंदा फेंकाएं या लाश फेंकाएं तो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हम तक पहुंच सकेंगे। तो इन्होंने उसको जलाकर इन्होंने वहां पे इसको डाला और ये तीनों ही अब अरेस्ट हो चुके हैं। और इनसे जो जो जिस पिस्तौल को इन्होंने काम में लिया है और जो इन्होंने बाकी जो योजना बनाई है उस सबका खुलासा भी करके इनसे रिकवर किया जा चुका है और जल्द ही इनको पुलिस कस्टडी में लेकर बाकी अनुसंधान भी इनसे किया जाएगा।
मैंने जैसा आपको बताया कि पैसे इनको इनके देने थे और वो राम खिलाड़ी जो मृतक है वो बार बार इनसे पैसे मांगता था, ये पैसे नहीं देना चाह रहे थे, इनके पास नहीं थे, जो भी थे। इन्होंने कहा कि हम बदतमीजी से बात करता है, हमें बार बार हमारे घर पे आके पैसे मांगता है, हमें बेइज्जती करता है, तो हम इसका काम करना चाहते हैं।